गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटेक गुरु पे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में ये इंस्ट्रक्शंस बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी माइक्रो प्रोसेसर के लिए जैसे सिम सेट इंटरप्ट मास्क रिम रीड इंटरप्ट मास्क नो ऑपरेशन एन ओ पी ये सारे इंस्ट्रक्शंस बहुत ज़रूरी हैं और हमारे कोर्स में भी हैं इसीलिए हमें इसे पढ़ना होगा तो आइए आज देखते हैं और समझते हैं कि ये इंस्ट्रक्शंस कैसे काम करते हैं और क्या यूज होता है इनका पहला इंस्ट्रक्शंस जो हम पढ़ेंगे वो है सिम सेट इंटरप्ट मास्क आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये क्या कर रहा है इंटरप्ट के बारे में ये इंस्ट्रक्शन है ठीक है आपको पता है हमारे 8085 में या 8086 की बात करें तो हमारे पास कितने इंस्ट्रक्शन हैं 8085 में पांच इंस्ट्रक्शन हैं और 8086 में नौ इंस्ट्रक्शन है तो पहले 8085 की बात करते हैं आपने देखा हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रक्शन हैं ट्रैप आर एस टी सेवन पॉइंट फाइव आर एस टी सिक्स पॉइंट फाइव आर एस टी फाइव पॉइंट फाइव और आई एन टी आर जिसमें से हमें पता है ट्रैप जो है वो नॉन मास्कबल इंटरप्ट है मतलब ऐसा इंटरप्ट है जिसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं ठीक है बाकी सारे इंटरप्ट आर एस टी सेवन पॉइंट फाइव सिक्स पॉइंट फाइव फाइव पॉइंट फाइव और आई एन टी आर ये चारों इंटरप्ट ऐसे हैं जिन्हें हम इग्नोर कर सकते हैं मतलब ये इंटरप्ट कैसे हैं मास्कबल इंटरप्ट हैं जिसमें से आई एन टी आर इसका यूज़ सिर्फ और सिर्फ क्या क्या करना होता है रिक्वेस्ट करना होता है इंटरप्ट आर स्टैंड फॉर रिक्वेस्ट इंटरप्ट रिक्वेस्ट मतलब प्रोसेसर हमारे इंटरप्ट ब्लॉक को बताता है कि उसे किस इंटरप्ट की ज़रूरत है या फिर कौन सा इंटरप्ट आया है आई एन टी आर क्या है इंटरप्ट रिक्वेस्ट तो देखा जाए हमारे पास इसके अलावा सिर्फ तीन और इंटरप्ट बचे जो कि है मास्केबल इंटरप्ट आर एस टी सेवन पॉइंट फाइव आर एस टी सिक्स पॉइंट फाइव और आर एस टी फाइव पॉइंट फाइव इंटरप्ट को डिस्कस करेंगे सेट इंटरप्ट मास्क का क्या फंक्शन होता है ये इसका फंक्शन है मल्टीपर्पज इंस्ट्रक्शन यूज टू मास्क द इंस्ट्रक्शन और इंटरप्ट इट इज यूज टू ट्रांसफर डेटा थ्रो एस ओ डी पिन सीरियल आउटपुट डेटा वैलिड ऑनली फॉर इंटरप्ट सेवन पॉइंट फाइव सिक्स फाइव एंड फाइव पॉइंट फाइव यहां पर चाह रहा है कि सिक्स पॉइंट फाइव अगर ये आ गए तो, तो माइक्रो प्रोसेसर कैसे काम करेगा क्या तब भी वो डेटा ट्रांसफर करता रहेगा या फिर कोई प्रॉब्लम होगी या फिर डेटा ट्रांसफर रुक जाएगा तो सबसे पहले हमारा माइक्रो प्रोसेसर डिटेक्ट करेगा कि उसको आर एस टी सेवन पॉइंट फाइव सिक्स पॉइंट फाइव और फाइव पॉइंट फाइव इंटरप्ट आए हैं अब देखेगा कि क्या इन इंटरप्ट को इग्नोर किया जा सकता है और हमें पता है कि ये तीनों तो इंटरप्ट कैसे हैं मास्केबल इंटरप्ट है तो हाँ इन्हें इग्नोर किया जा सकता है तो इन्हें इग्नोर करके क्या करेगा हमारा डेटा ट्रांसफ़र होता रहेगा किससे एस ओ डी पिन से ये इंटरप्ट भी आठ बिट का होता है कितने बिट का है आठ बिट का यहाँ पे भी D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 एंड D7 मतलब D0 से D7 आठ बिट जो होते हैं जिसमें से पहला दूसरा और तीसरा मतलब D0, D1 और D2 ये बिट किसके लिए होता है मास्केबल इंटरप्ट 7.5, पॉइंट फाइव मास्केबल इंटरप्ट सिक्स पॉइंट फाइव मास्केबल इंटरप्ट फाइव पॉइंट फाइव मतलब ये तीनों जो बिट्स है ये हमें बताते हैं कि क्या इन तीनों में से कौन से इंटरप्ट आए हैं अगर आए हैं तो क्या उन्हें मास्क कर दिया गया है मतलब हटा दिया गया है या अभी भी वो आए हैं और उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है अगर वन है तो इसका मतलब है कि उन्हें हटा दिया गया है उन्हें मास्क कर दिया गया है और अगर जीरो है इनकी वैल्यू तो इसका मतलब है वो अभी भी अवेलेबल हैं D3 थ्री पिन क्या बताता है एम एस ई मतलब मास्केबल सेट इनेबल मतलब मास्क सेट इनेबल अगर यहाँ पे वन है तो क्या बताते हैं कि अवेलेबल है मतलब अभी भी है, और जीरो है तो कोई भी इंटरप्ट अवेलेबल नहीं है मतलब अगर इन तीनों इंटरप्ट में से कोई एक इंटरप्ट या कोई दूसरा इंटरप्ट आया तो वो वाली इंटरप्ट के पिन हाई हो जाएगी जैसे अगर 7.5 आया तो 7.5 पॉइंट वन हो जाएगा बाकी ये दोनों ज़ीरो ज़ीरो मास्क सेट इनेबल मतलब ये हमें बता रहे हैं कि ये वाला इंटरप्ट तो आया है ठीक है अब क्या उन्हें मास्क मतलब हटा दिया गया है या क्या अभी भी वो हैं अगर अभी भी प्रेजेंट हैं तो एक और अगर हटा दिया गया है तो जीरो ये डी बिट स्पेशल किसके लिए होती है आर एस टी सेवन पॉइंट फाइव मतलब अगर सिर्फ और सिर्फ आर एस टी सेवन पॉइंट फाइव अकेले आया है तो डी फोर बिट ये बताता है कि कैसे सेवन पॉइंट फाइव को हम हटाएंगे अगर D4 फोर बिट को वन कर देंगे तो 7.5 हट जाएगा रीसेट हो जाएगा बिना किसी और पिन को छेड़खानी किए बगैर और जीरो आता है तो इसका मतलब है अभी भी 7.5 है उसे हटाया नहीं गया है D5 खाली होता है इसमें कुछ नहीं होता D6 सिक्स पिन क्या है एस डी ई मतलब सीरियल डेटा इनेबल एक अगर है तो क्या करता है इनेबल एस मतलब सीरियल आउटपुट डेटा पिन के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र होता रहता है और अगर ज़ीरो आ गया है तो डेटा ट्रांसफ़र रुक गया है ये क्या है एस ओ डी सातवीं जो डी सेवन बिट है एस ओ डी को वो डिफ़ाइन कर रही है एस ओ डी क्या है सीरियल आउटपुट डेटा ये बता रहा है कि इस पिन पे डेटा अभी भी अवेलेबल है अब एस डी ई अगर वन होगा तो वो बताएगा कि उसे ट्रांसफ़र करें या जीरो है तो ना करें ये पिन बता रहा है कि अभी भी यहाँ पे डी सेवन बेट पे डेटा अवेलेबल है अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंटरप्ट की जो है आर आई एम रीड इंटरप्ट मास्क दोस्तों सबसे पहले समझ लेते हैं कि एस आई एम और आर आई एम में डिफरेंस क्या है एस आई एम और आर आई एम में डिफरेंस क्या है एस आई एम क्या है वो इंटरप्ट को कंट्रोल करता है क्या कर रहा है यहाँ पे वो इंटरप्ट को कंट्रोल कर रहा है और आई आर आई एम क्या कर रहा है ये इंटरप्ट को बता रहा है कि ये उसका स्टेटस क्या है एस आई एम क्या करता है इंटरप्ट को कंट्रोल करता है और आई एम आर आई एम रीड इंटरप्ट मास्क क्या करता है स्टेटस जानता है कि क्या अभी भी वो सारे इंटरप्ट पेंडिंग हैं या फिर उनको इग्नोर किया जा चुका है अब हम बात करते हैं रीड इंटरप्ट मास्क आर आई एम ये है क्या और ये कैसे काम करता है ये मल्टीपर्पज इंस्ट्रक्शन है यूज किया जाता है किस लिए स्टेटस ऑफ पेंडिंग इंटरप्ट को जानने के लिए कि क्या जो इंटरप्ट हैं उनका स्टेटस क्या है क्या वो क्लियर हो चुके हैं या अभी भी रुके हुए हैं कि कोई जाकर के उनको क्लियर करें एंड ऑल्सो रिसीव सीरियल डेटा थ्रू एस आई डी पिन और क्या करता है सीरियल इनपुट डेटा पिन के थ्रू डेटा रिसीव करता है ये इस इंटरप्ट में भी इस इंस्ट्रक्शन में भी हम सिर्फ तीन और तीन इंटरप्ट के बारे में बात करेंगे जो है 5.5, 6.5 और 7.5। ट्रैप के बारे में हम नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि ट्रैप नॉन मास्केबल इंटरप्ट है उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं लेकिन आर 7.5, 6.5 और 5.5 ऐसे इंटरप्ट हैं जिनको हम इग्नोर कर सकते हैं वो मास्केबल इंटरप्ट है तो आइए देखते हैं कि अगर कोई भी इंटरप्ट 7.5, 6.5 या 5.5 आया है किसी ऑपरेशन के दौरान या फिर किसी प्रोसेस के दौरान कोई इन तीनों में से इंटरप्ट आया है तो क्या वो क्लियर हो चुका है या अभी भी रुका हुआ है कि हम उसे क्लिक करके उसे देखें कि क्या वो डिमांड कर रहा है या फिर किस वजह से वो इंटरप्ट रुकावट पैदा कर रहे है तो आर आई एम क्या करता है सिर्फ और सिर्फ हमें स्टेटस बताता है कि क्या ये तीनों इंटरप्ट क्लियर हो चुके हैं या फिर अभी भी वेट कर रहे हैं कि उनपे कोई ना कोई एक्शन लिया जाए ये इंटरप्ट भी एस आई एम के तरीके से एट बिट का होता है ये स्टार्ट होता है डी जीरो डी वन डी टू डी थ्री डी फोर डी फाइव डी सिक्स एंड डी सेवन से जहां पे डी जीरो डी वन डी टू ये तीनों किसके लिए दिए गए होते हैं आर एस टी फाइव पॉइंट फाइव सिक्स पॉइंट फाइव और सेवन पॉइंट फाइव के लिए D3 थ्री पिन किसके लिए होती है इंटरप्ट इनेबल के लिए D4, D5, D6 किसके लिए होती है स्टेटस जानने के लिए कि 5.5, 6.5 और 7.5 का स्टेटस क्या है और ये क्या है SID आई पिन अब आइए डिटेल में बात करते हैं कि ये पिन कैसे काम करती है और क्या फंक्शन है हमने देखा कि अगर कोई इंटरप्ट आया है कैसा इंटरप्ट 7.5, 6.5 या 5.5, तो क्या अभी भी वो अवेलेबल है अगर अभी भी रुका हुआ है तो किससे डिनोट होगा जीरो और अगर हटा दिया गया है या क्लियर कर दिया गया है तो किससे हम डिनोट करेंगे वन से वहीं इंटरप्ट इनेबल ये क्या डिनोट कर रहा है कि क्या सारे इंटरप्ट को हटा दिया गया है या अभी भी वो इंटरप्ट रुके हुए हैं कहीं वेट कर रहे हैं कोई भी इंटरप्ट तो अगर हम इस पिन को वन कर देते हैं तो जितने भी रुके हुए इंटरप्ट भी हैं ये पिन उनको भी क्लियर कर देगा और अगर जीरो है तो मतलब है कि कोई इंटरप्ट नहीं रुका है सारे इंटरप्ट पहले ही क्लियर हो चुके हैं अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं आई I6 आई और आई फाइव की ये क्या बता रहे हैं स्टेटस ऑफ पेंडिंग इंटरप्ट मतलब जो रुके हुए इंटरप्ट है उनका क्या स्टेटस है क्या वो क्लियर होने के प्रोसेस में है या अभी तक उनपे कोई एक्शन नहीं लिया गया है या फिर वो सॉल्व हो चुके हैं अगर वन है तो इसका मतलब है अभी भी वो रुके हुए हैं उनको क्लियर नहीं किया गया है हमें जाकर के उन्हें क्लियर करना पड़ेगा अगर ज़ीरो है तो वो इंटरप्ट सॉल्व हो चुके हैं क्लियर हो चुके हैं अब वो इंटरप्ट नहीं कोई भी रुकावट पैदा कर रहे हैं लास्ट बिट है एस आई डी की ये क्या दिखा रही है सीरियल इनपुट डेटा मतलब जो भी डेटा है इनपुट डेटा है वो ट्रांसफर के लिए रेडी है कोई भी रुकावट नहीं आ रही है इंटरप्ट के वजह से तो दोस्तों इसी वीडियो में अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्या है इम्पोर्टेंट पिंस इन 8086 मतलब 8086 में कौन कौन से ऐसे पिन्स हैं और जो इम्पोर्टेंट है और उनका काम क्या है जैसे हमने देखा होगा 8086 में कुछ एक्स्ट्रा पिंस आ गई हैं जो एट में नहीं थी ठीक है तो इन्हीं पिन्स के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे जैसा कि हम जानते हैं ए एल ई एट जीरो एट फाइव में हमने पढ़ा हुआ है इसका काम क्या है एड्रेस लैच इनेबल मतलब ये हमें बताएगा कि जो पिन्स हैं ट्वेंटी पिंस है वो कब एड्रेस लाइंस की तरीके से यूज़ हो रही हैं और कब डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए तो अगर ए एल ई वन तो क्या है सारी ट्वेंटी लाइंस कैसे यूज़ हो रही हैं एड्रेस को लेकर के आने और ले जाने के लिए और अगर ये पिन जीरो है तो जो लोअर एडी जीरो से एडी फिफ्टीन मतलब जो लोअर लाइंस हैं अब उन पे क्या जा रहा है डेटा और हायर लाइन मतलब ए सिक्सटीन से ए नाइनटीन तक वो क्या कैरी क्या कर रही है स्टेटस ठीक है कन्फ्यूज़ मत होइएगा अगर पिन वन है तो सारी ट्वेंटी लाइंस क्या ले जा रही हैं एड्रेस और अगर पिन जीरो है तो लोअर पिन मतलब ए डी ज़ीरो से ए डी फिफ्टीन तक डेटा कैरी कर रही हैं और ए सिक्सटीन से ए नाइनटीन तक स्टेटस सिग्नल को कैरी कर रही हैं नेक्स्ट पिन है बी एच ई बार मतलब बस हाई इनेबल इसका काम क्या होता है ये हमें बताता है कि कब एड्रेस लाइंस जो हैं डेटा बस की तरीके से काम करेंगी और कब ये लाइन सिर्फ और सिर्फ एड्रेस को लेकर के जाएंगी अगर बी एच ई ज़ीरो है क्योंकि हमें पता है बार लगा है तो ज़ीरो बार मतलब वन मतलब अगर ज़ीरो हम रखेंगे तब ये हमारा एक्टिव होगा तब के स्टेट में जाएगा एक्टिव स्टेट में और एक्टिव स्टेट में ये क्या काम करेगा जो ए डी सिक्स और ए डी ए डी ज़ीरो से ए डी सेवन तक लाइन है ए डी जीरो से ए डी सेवन तक लाइन है वो कैसे काम करेंगी लोअर ऑर्डर डेटा बस मतलब वो डेटा बस को लेकर के जाएंगी लेकिन कैसे जो डेटा का नीचे वाला सेक्शन है मतलब छोटा डेटा है वो किस पे जाएगा ए डी ज़ीरो से ए डी सेवन पे लेकिन जो हायर डेटा है मतलब जो और भी ज्यादा डेटा है जो बिट से ज़्यादा है वो किस जाएगा? AD AD पे जाएगा ए डी एट से ए डी फिफ्टीन पे नेक्स्ट तो हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है डी टी स्लैश आर बार ये है कैश का फुल फॉर्म क्या है डेटा ट्रांसमिशन एंड रिसीव मतलब डेटा ट्रांसमिट कर रहा है या डेटा रिसीव कर रहा है यह हमें दिखाता है कि आखिर में जो डेटा है वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ठीक है अगर ज़ीरो है अगर हमारा ये पिन डी टी स्लैश आर बार ज़ीरो है मतलब डेटा ट्रांसमिट नहीं हो रहा है और ज़ीरो बार मतलब एक मतलब उस समय क्या हो रहा है डेटा रिसीव हो रहा है तो मेमोरी या फिर आईओ डिवाइस कैसे काम करेगा रिसीवर के जैसे काम करेगा लेकिन अगर डेटा ये वाली पिन वन है तो क्या है डेटा ट्रांसमिट हो रहा है लेकिन रिसीव वन बार मतलब जीरो हो जा रहा है डेटा ट्रांसमिट हो रहा है मतलब डेटा सेंड किया जा रहा है कोई ट्रांस मतलब ट्रांसमिशन हो रहा है डेटा मेमोरी से या फिर आईओ डिवाइस से या हम ट्रांसमिट को ऐसे भी कह सकते हैं कि डेटा जा रहा है डेटा सेंड हो रहा है तो यहाँ पे ये कैसे काम करेगा डेटा सेंड करेगा और ये कैसे काम करेगा डेटा रिसीव करने के लिए इसी सीरीज में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है हमारा डी ई एन बार मतलब डेटा इनेबल अब ये कब काम करेगा जब ज़ीरो होगा क्योंकि क्या हो जाएगा ज़ीरो बार मतलब वन तो ज़ीरो पे ये हमारा काम करेगा और ज़ीरो पे क्या बताएगा कि डेटा प्रेजेंट है लाइंस पे मतलब डेटा ट्रांसफर होने के लिए बिल्कुल तैयार है और मौजूद है ठीक है लेकिन अगर ये वन होगा तो उस समय ये इनएक्टिव स्टेट में चला जाएगा क्योंकि वन बार मतलब ज़ीरो हो जाता है इस समय में ये बताएगा कि कोई भी डेटा प्रेजेंट नहीं है नेक्स्ट सिग्नल है हमारा लॉक बार लॉक बार क्या करता है एल ओ सी के नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये लॉक कर दे रहा है मतलब अगर हमारा माइक्रो प्रोसेसर में कोई भी अलग से इनपुट डिवाइस आकर के कनेक्ट हो रहा है तो ये उसमें डायरेक्ट डेटा ट्रांसमिशन को रोक रहा है डेटा ट्रांसमिट तभी होगा जब हम परमिशन देंगे रिक्वेस्ट ग्रांट करेंगे तो अगर ये जीरो है तो एक्टिव है क्योंकि जीरो बार मतलब वन हो जाएगा एक्टिव है और अगर वन है तो ये इनएक्टिव है आखिरी सिग्नल है टेस्ट टी ई एस टी बार टेस्ट बार क्या बता रहा है कि अगर हमारा माइक्रो प्रोसेसर कोई भी अरिथमेटिक या कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन कर रहा है तो उस समय सारे सिग्नल्स क्या परफॉर्म कर रहे हैं उस ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं तो जो हमारे मेन सिग्नल्स हैं जैसे एक्यूमुलेटर का हो गया या फिर एड्रेस और डेटा बस वाले सिग्नल्स हो गए वो उस समय बिजी हैं तो ये बस बताएगा कि अगर हमारा कोई भी अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन हो रहा है तो प्रोसेसर के कुछ रजिस्टर्स या कुछ सिग्नल्स अभी बिजी हैं वो काम नहीं कर सकते हैं तो अगर बिजी बताने के लिए क्या होगा अगेन ज़ीरो पे एक्टिव होगा मतलब ज़ीरो बार मतलब वन हो जाएगा और एक्टिव हो जाएगा मतलब किस पे एक्टिव है जब हम टेस्ट सिग्नल का पिन क्या है टेस्ट जो पिन है इस पे क्या वैल्यू रखेंगे ज़ीरो तो वो बताएगा कि अभी सारे पिनस जो हैं बिजी हैं अगर हम वन वैल्यू रखते हैं तो बताएगा कि वो बिज़ी नहीं है रेडी हैं यूज करने के लिए मतलब जो भी ऑपरेशन हो रहा था अब वो ख़त्म हो चुका है अब दूसरा ऑपरेशन हो सकता है थैंक यू दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें